तो हम नोट पैड प्लस प्लस में आ गए हैं। सबसे पहले सेव कर देते हैं इसे। सेव कहाँ करना है? डेस्कटॉप पे। और मैं इसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख रहा हूँ। कारण ये है कि ये बहुत कॉमन है, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो मतलब बहुत काम आएगा। मतलब यही रखना पड़ता है, रखना है, यही सही रहता है। तो उसको सेव करा इससे। अब देखो, ओके, थोड़ा डार्क हो गया। अभी क्या होता है, एच टी एम एल में खूब सारे टैग होते हैं। शुरुआत हम हमेशा एच टी एम एल टैग से करते हैं और एंडिंग हम हमेशा इसको बंद करके, यहाँ आएगा जो भी आएगा कोड हमारा, एच टी एम एल टैग के अंदर जो भी आएगा वो हमारे स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वेब पेज की। जैसे मैं अगर इसमें हाई लिखूँ तो ये भी ठीक है। और टैग देना हो तो एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी। हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग को। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान देना है कि जो भी लिखो, जैसे कमेंट लगाना होता है हेड टैग में। जैसे मैं लिखता हूँ पहले बॉडी में हाय, हाय लिखा, सेव करा, चेक करा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लिखा हुआ आ गया हाय। मगर ये देखो ऊपर लिखा हुआ है फाइल, ये कहाँ से ये फाइल आई है, ठीक है। मगर अब मैं टाइटल अगर एक दे दूँ इसे, देखो टाइटल सजेस्ट हो रहे हैं, यही फायदा होता है। अगर ऐसे नोट पैड में नहीं हो पाया तो काफ़ी दिक्कत होती है। नोट पैड में गलती हो गई तो वो एरर वगैरह नहीं शो करता, सीधा कुछ नहीं दिखेगा। जब हम चेक करने जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। टाइटल में मैं लिख देता हूँ ऐसे, सेव करा, रिफ्रेश करा। अब देखो यहाँ केशव आ गया। अब मान लो मैंने टाइटल नहीं दिया, आप देखते क्या होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये फाइल की लोगे, पहले तो ये बता रहा था कि फाइल का नाम क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हम जैसे कभी हम सर्च करते हैं, जैसे न्यू टैब डाल रखा है गूगल, तो सबसे अच्छा रहता है कि अगर हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पहले ही कि एक वेब का पेज है, फिर सेव करें, चेक करें कि तो आगे वेब पेज। तो ये टाइटल का काम होता है। और हम बॉडी के अंदर जो भी लिखना होता है वो सीधा यहाँ पेज पे होता है। और अगर हम इन सबको हटा दें फिर भी हाई लिखें तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जाता है। मगर ऐसे करने से क्या रहता है कि सारा काम सही तरीके से हो जाता है। अभी देखो ये रेड कलर का हो रखा है, यानी सेव नहीं है। कंट्रोल एस ब्लू हो गया। तो ये नोट पैड प्लस प्लस में ये होता है ऐसे करने से सेव। और हर एक, जैसे ये शुरू हुआ ये ख़त्म हुआ, ये एक एलिमेंट है। ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, ये एक एलिमेंट है। बॉडी भी इस तरह से एक एलिमेंट है। और ये पूरा है, हम एच टी एम एल शुरू हुआ ख़त्म हुआ इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो ये एक टैग होते हैं, ये देखो हाईलाइट हो रहा है। तो यही फायदे होते हैं कुछ अच्छे कोड एडिटर के। नोटपैड में देखो जैसे ये है, ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है, मगर दिक्कत होगी। और जब इतनी फैसिलिटी है तो क्यों ना यूज़ करें एक अच्छा कोड एडिटर, ठीक है।